नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें, आप वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें। परेशानी फेस करते हैं या फिर अगर आप खुद बच्चे हैं और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं और आपके फ्रेंड्स जो है आपका पीछे से मजाक उड़ाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि आप में ड्रेस सेंस नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, तो उस कॉन्फिडेंस को जगाने की जरूरत है, अपने ड्रेस सेंस को थोड़ा प्रॉपर करने की जरूरत है। क्या होता है कि हम जब छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमें इतना नॉलेज होता नहीं है। अगर हम छोटी जगह पे रहते हैं तो हमें किस तरह के कपड़े पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। अब हम बड़े स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर कई बड़े बच्चे, कई बड़े घरों के बच्चे मिलते हैं जिनका एटीट्यूड, एक्टीट्यूड सब कुछ अलग होता है, तो हमें उनके कदम से कदम मिलाने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए उन्हीं के जैसा बनना पड़ता है, जिसके लिए फॉलो करना पड़ती है कुछ स्टेप्स जिनका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं, हमारी गोरी का मेक ओवर करते हैं ताकि ये भी अपने फ्रेंड्स के बीच में छा सके। चलिए, सबसे पहले आपको अपने कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। कपड़े आप जिस जगह जा रहे हैं उसके अनुसार पहने। कपड़ों के साथ में आपको किस तरह के फुटवेयर पहनना है इसकी जानकारी आपको नेट पर मिल जाती है। चलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाए, कंधे उठाकर नजरें सामने लेकर चलें। फेस के लिए आपको तीन चीजों का इस्तेमाल करना है डेली, मॉइस्चराइजर, लिप बाम और काजल। बस फेस धोने के बाद में सबसे पहले लगाएं मॉइस्चराइजर, उसके बाद में अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लगाएं लिप बाम और आंखों को लगाएं काजल। बस यही आपकी सुंदरता के लिए काफी है। स्कूल कॉलेज जाने के लिए इस तरह की पोनी बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अब बताओ, अब क्या हाल है तुम्हारे? अब तो सब मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, सब मुझसे टिप्स मांगते हैं कि मेकअप कैसे करते हैं, बाल कैसे बनाते हैं। अरे वाह, मतलब अब खुश हो? देखा आपने, बस थोड़ी सी स्टेप्स हमने की, क्या किया? देखिए, सब लोगों का, माओं का, हमारे पेरेंट्स का क्या सोचना होता है कि बच्चे को मेकअप मत करने दो, मेकअप से बच्चा बिगड़ेगा या खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को टाइम के साथ अपडेट रखना जरूरी होता है, ठीक है? ये तो हुई बात मेकअप की, साथ ही में बच्चों को थोड़ा सा आज जो जनरेशन चल रहा है उसके साथ में भी चलना जरूरी होता है। उन्हें किताबी कीड़ा बना के मत रखो। अगर आपको इस चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप अपने बच्चों को इंटरनेट वगैरह के थ्रू आप खुद सीखें और बच्चों को भी सिखाएं कि आज की जनरेशन में कदम से कदम सबके मिला के रहना है तो अपने आप को किस तरह से रखना है, ठीक है? और अगर आपके बच्चे, आप खुद हैं स्टूडेंट, अगर आप भी एम्बरेसमेंट का शिकार होते हैं, दोस्तों के बीच खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा किस तरीके से आप अपने आप को मेक ओवर करके, थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस करके सबके बीच में एक जैसे लग सकते हैं। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पे भी ध्यान दें पर साथ में अपनी पर्सनालिटी भी उसी तरह से रखें कि आप लोगों के बीच में स्मार्ट लगे। आपने देखा किस तरह से एक गांव की गोरी को हमने बनाया शहर की छोरी, शहर की छोरी बनाना, कोई हमने इनमें कोई चेंजेस नहीं किया है, बस थोड़ी सी छोटी छोटी सिंपल स्टेप्स होती है जिनको हमने फॉलो किया है। कई चीजें ऐसी होती है जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। आप इंटरनेट का सहारा लें कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़ों के साथ किस तरह के हेयर स्टाइल सूट होता है, कैसे कपड़ों के साथ किस तरह के शूज पहनना है, फुटवेयर पहनना है, तो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी पे। इन सब चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप और भी कोई सजेशन चाहते हैं, और भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारा एक्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक हम आप लोगों से करते हैं, बाय बाय।